हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर धीरज बाकोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, बीए भाग फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस कड़ी में आज अपन बात करेंगे राज्य का आंगिक या सावयव सिद्धांत। हमारे सामने एक समस्या है राजनीति विज्ञान में कि हम राज्य के स्वरूप को क्या माने। अब तक जितने भी राजनीतिक वैज्ञानिक हुए उन्होंने राज्य के स्वरूप के बारे में अलग अलग विचार दिए। कोई राज्य को कुछ मानता है, कोई राज्य को कुछ मानता है, और कुछ ऐसे विचारक भी हुए जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, ये कहते हैं कि राज्य एक शरीर की भांति है। जैसा मानव शरीर है, मानव शरीर के अंग है, मानव में जैसे चेतना होती है, मानव का अपना अस्तित्व होता है, मानव की अपनी इच्छाएँ होती है, ठीक वो की वो चीज़ें राज्य में है। राज्य का भी अपना अस्तित्व होता है, राज्य की भी अपनी इच्छाएं होती है। जैसे मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, वैसे राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं। मानव शरीर के बारे में उसने कहा, जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान और अपने शरीर के भीतर असंख्य कोशिकाएं, जो भी चीज़ें होती है वो उसी भांति राज्य में भी होती है। राज्य के भी जो मनुष्य है वो उसके अंग होते हैं और उनके साथ ही राज्य का अस्तित्व निर्भर करता है। ये एक विवादास्पद मामला है कि राज्य को हम क्या मानते हैं। राज्य के बारे में जो धारणाएं हैं वो अलग अलग है, अलग अलग विचार अलग अलग रूप में स्वीकार करते हैं। आज अपन इस विवाद को देखेंगे कि राज्य का स्वरूप क्या है और हर्बर्ट स्पेंसर राज्य को मानव शरीर कैसे मानता है। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राज्य का आंगिक या सावयव सिद्धांत। राज्य का विवादास्पद स्वरूप, पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न विचारक राज्य को किस रूप में मानते हैं और ये विवाद क्यों पैदा होता है। राज्य का स्वरूप क्या है, ये एक जटिल प्रश्न है। शायद ही कोई ऐसे दो विचारक हो जो राज्य की परिभाषा के बारे में एकमत हो, यानी कि वास्तव में देखा जाए तो राजनीति विज्ञान के जो विद्वान है वो इस बात पर सहमत नहीं होते कि राज्य है क्या। सब अलग अलग धारणाएँ प्रतिपादित करते हैं, सब अलग अलग विचार रखते हैं कि राज्य ये है, राज्य वो है। इसीलिए राज्य के स्वरूप को लेकर आज भी हमारे सामने एक कोई निश्चित तथ्य नहीं है और सबके अलग अलग विचार हैं। ओपेनहाइम जैसे लेखकों की राय में राज्य मूलतः एक वर्ग व्यवस्था है, एक ऐसे वर्ग का संगठन जो दूसरे वर्गों पर हावी हो। ओपेनहाइम ये मानकर चलते हैं कि राज्य एक वर्ग संगठन है, यानी कि उसमें वर्ग बने हुए हैं और मुख्य रूप से दो वर्ग हैं। एक वर्ग जो राज्य राज्य की संस्थाओं, राज्य की शक्तियों पर हावी है और दूसरे वर्ग का शोषण करता है। जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य में दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति होता है, एक श्रमिक वर्ग होता है, पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। ठीक उसी प्रकार के विचार ओपेनहाइम जैसे व्यक्ति मानते हैं, ये भी राज्य के वर्ग संगठन मानते हैं कि राज्य में विभिन्न वर्ग बने हुए, जो शक्तिशाली वर्ग है वो दूसरे वर्ग पर हावी रहता है। जर्मन लेखक राज्य को एक शक्ति व्यवस्था मानते हैं। जर्मनी के जो राजनीति वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि राज्य एक शक्ति व्यवस्था है, शक्ति के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ, शक्ति के माध्यम से राज्य बनाए गए हैं, शक्ति के माध्यम से राज्य जीते गए हैं, शक्ति के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण बना रहा है, तो सब कुछ शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। तो राज्य को जर्मन विचारक एक शक्ति का संगठन मानते हैं। ग्रोसियस जैसे विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, यानी कि बुराई है, बुराई जो होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो क्या है, आवश्यक है। आवश्यक क्यों है कि मानव जाति को बनाए रखने के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति पर नियंत्रण के लिए राज्य होना चाहिए। अगर राज्य नहीं होगा तो मनुष्य पर नियंत्रण रख पाना आसान नहीं होगा और जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा, सारा का सारा ढांचा बिखर जाएगा। इसलिए ग्रोसियस राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। अच्छा नहीं है लेकिन ज़रूरी भी है। समाजशास्त्री राज्य को एक सामाजिक तथ्य के रूप में मानते हैं। जो समाजशास्त्री विचारक है वो राज्य को कहते हैं कि एक सामाजिक संस्था है। और चूंकि हॉब्स, लोक, रूसो जैसे विचारक भी मानते हैं कि पहले समाज का निर्माण हुआ, उसके बाद राज्य का निर्माण हुआ, समाज ने अपनी इच्छा से राज्य का निर्माण किया, ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्री ये मानते हैं कि राज्य एक सामाजिक संगठन है। समाज की स्थापना होती है, समाज अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए राज्य का निर्माण करते हैं और हम यही पढ़ते आए हैं अब तक कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए समाजशास्त्री राज्य को भी एक सामाजिक संस्था मानते हैं। और विधि शास्त्री जो है वो राज्य की व्याख्या एक कानूनी संगठन के रूप में करते हैं। जो कानूनविद है या जो विधि शास्त्री है वो ये कहते हैं कि राज्य एक कानूनी संगठन है, एक कानून के माध्यम से राज्य और राज्य के अंग, राज्य की संरचनाएँ, राज्य के विभिन्न विभाग स्थापित
किए गए हैं। जैसे कि हम यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है और संविधान के अनुरूप उस राज्य की सारी व्यवस्थाएँ होती है। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए संविधान के अनुसार चलने के कारण से राज्य एक कानूनी संगठन है, ये विधि शास्त्रियों का मत है। इससे ये स्पष्ट होता है कि राज्य के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग धारणाएं रखते हैं। कुछ उसको वर्ग संगठन मानते हैं, कुछ उसको शक्ति संगठन मानते हैं, कुछ उसको आवश्यक बुराई मानते हैं, कुछ उसको सामाजिक संगठन मानते हैं, तो कुछ उसको कानूनी संगठन मानते हैं। इसका मतलब कि सारे के सारे विद्वान इस बात पर एकमत नहीं है कि राज्य क्या है। इसी के स्वरूप में एक सिद्धांत आता है, राज्य का स्वरूप सावयव सिद्धांत। राज्य की प्रकृति के सावयव सिद्धांत को आंगिक सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत और जैविक सिद्धांत भी कहते हैं। ये इसके नाम उपनाम कह सकते हैं, प्राय इसको आंगिक या सावयव सिद्धांत कहा जाता है। इसको हम आंगिक सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, सावयव सिद्धांत आदि नामों से जानते हैं। इसके अनुसार राज्य की तुलना एक जीवधारी से की गई, यानी कि जो सावयव या आंगिक सिद्धांत के जो समर्थक विचारक है ये कहते हैं कि राज्य एक जीवधारी के समान है, यानी कि जैसे एक जीवधारी यानी कि मनुष्य होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य के भी संरचनाएँ हैं। व्यक्तियों का राज्य से वही संबंध है जो कोशिकाओं का शरीर से। ये व्यक्ति ये मानते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति राज्य के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मानव शरीर की कोशिकाएं हैं, विभिन्न अंग हैं, वो शरीर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मानव शरीर का कोई अंग अलग हो जाता है तो मानव शरीर यूँ कह सकते हैं कि अविच्छिन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति राज्य से अलग हो जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की धारणा ये कहते हैं राज्य वस्तुतः एक जीवित संगठन है, जैसे पौधे, पशु, मनुष्य आदि। ये सावयव सिद्धांत के समर्थ ये कहते हैं राज्य भी एक जीवित संगठन है, जैसे मनुष्य है, जैसे पौधे हैं, जैसे पशु हैं, उसी भांति राज्य भी एक जीवित संगठन है और इसकी तुलना मानव शरीर से करते हैं। सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह बहुत प्राचीन सिद्धांत है, प्लेटो के विचारों में भी इसकी झलक मिलती है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राज्य के सावयव सिद्धांत को बहुत समर्थन मिला। हालांकि यह सिद्धांत एकदम नया नहीं माना जाता, प्लेटो जो कि ईसा पूर्व हुआ था, प्लेटो अरस्तु, हम उनके विचारों में भी कहीं ना कहीं एक अवशेष देखते हैं और वो अवशेष है राज्य के सावयव सिद्धांत का। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर इसका सबसे बड़ा प्रतिपादक हुआ है, उसी रूप में प्लेटो ने भी अपने विचारों में राज्य की जो तुलना है वो एक इंसान के रूप में या मानव शरीर के रूप में की है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस विचारों की झलक हमें बहुत प्राचीन रूप में मिलती है। और ब्लंसली भी कहता है कि राज्य मानव शरीर की प्रतिमूर्ति है, यानी कि जिस प्रकार का मानव शरीर होता है उसी का भांति उसी के अनुसार राज्य भी होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। अब बात करेंगे स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सावयव सिद्धांत, यह इसका सबसे बड़ा प्रतिपादक है हर्बर्ट स्पेंसर। राज्य के सावयव सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रतिपादक अंग्रेज विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर है। उसने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में समाज और मानव शरीर का सविस्तार तुलना की है। स्पेंसर जो कि इंग्लैंड के थे, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम था समाजशास्त्र के सिद्धांत, इस पुस्तक में इस धारणा का प्रतिपादन किया जिसे हम सावयव सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये देन है हर्बर्ट स्पेंसर की, उसकी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में, और उसने विभिन्न उदाहरणों से और विभिन्न तथ्यों के आधार पर यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि राज्य मानव शरीर की भांति है, जो संबंध मानव शरीर का उसकी कोशिकाओं से है वही संबंध राज्य का मानव से है। और जिस प्रकार से मानव की अपनी इच्छाएं होती है उसी प्रकार से राज्य की भी अपनी इच्छाएं होती है। जिस प्रकार से मानव का अपना व्यक्तित्व होता है वे उसी प्रकार से राज्य का भी अपना व्यक्तित्व होता है, वो विभिन्न उदाहरणों से ये बतलाने की कोशिश भी करता है। चलिए देखते पहला वो कहता है आरंभ। स्पेंसर ने राज्य और जीवधारी में पहली समानता ये बतलाई कि पहले दोनों का ही आकार छोटा था परंतु कालांतर में उनका विकास हुआ है। ये भी सच्चाई है कि दोनों क्रमिक रूप से बढ़ते हैं, आरंभ दोनों का ही छोटे रूप में हुआ। जैसे राज्य अपना अगर इतिहास की बात करें प्राचीन समय में चले जाएं, जैसे प्लेटो के समय छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे जो कुछ किलोमीटर की परिधि में ही हुआ करते थे, उनकी संख्या 3,000, 4,000, 5,000 हुआ करती थी। जैसे प्लेटो अपने आदर्श राज्य में कहता है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 5,040 होना चाहिए, आज तो एक गाँव की जनसंख्या भी 5,000 से ज़्यादा हो जाती है।
तो पहले राज्य छोटा हुआ करता, फिर धीरे 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 क्रमिक रूप में जैसे जैसे उसका विकास होता चला गया, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, राज्य बहुत विशाल राज्य होने लगे। आज अरबों की जनसंख्या होती है, कहाँ 5,000 की जनसंख्या की बात करती थी, और आज चाइना देखिए, देखिए जिनकी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। तो ये क्रमिक रूप से बड़े हैं। उसी प्रकार से मानव शरीर का भी विकास ऐसा है, जब मानव जन्म लेता है एक छोटा सा होता है, उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता है उसका आकार भी बड़ा होता चला जाता है। वही बात यहाँ पर स्पेंसर राज्य और मानव शरीर के बारे में कहते हैं। जिस प्रकार प्राणी शरीर का आरंभ अनेक छोटे छोटे घटकों अथवा कीटाणुओं से होता है, उसी प्रकार समाज शरीर भी परिवार जैसे छोटे छोटे समुदायों से बनता है। स्पेंसर कहता है कि मानव शरीर बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना, हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, हमारे शरीर के भीतर भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, विभिन्न प्रकार के अंग हैं जिनसे मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है। बहुत सारे घटक, पता नहीं कितनी लाखों कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है, कितनी हड्डियाँ हमारे शरीर में होती है, कितने रक्त कणिकाएँ होती है, उन सबसे मिलकर विभिन्न प्रकार के जीवाणु भी हमारे शरीर में होते हैं, उन सबसे मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य का भी निर्माण छोटे छोटे संस्थाओं जिसे हम परिवार कहते हैं, विभिन्न परिवार सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों परिवारों से मिलकर होता है। तो जो चीजें मानव शरीर जिन चीजों से विभिन्न छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य भी विभिन्न छोटी छोटी चीजों यानी कि परिवारों से मिलकर बनता है। दूसरी बात कहता है विकास की क्रिया, राज्य तथा शरीर दोनों में विकास क्रम की समानता है, दोनों का ही विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। ये भी सच्चाई है कि पहले जो राज्य हुआ करते थे बहुत सरल हुआ करते थे, उनके काम निश्चित हुआ करते थे, वो किसी भी प्रकार से मानव के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। उसका मुख्य उद्देश्य था मानव का कल्याण करना, मानव की सुरक्षा करना, यानी कि वो एक सरल संस्था थी। उसी प्रकार से मनुष्य जो प्रारंभिक मनुष्य था वो भी सरल था, उसका केवल इतना ही काम था अपना जीवन यापन करना, सुबह खाने की खोज में निकलना, सारे दिन खाने की खोज करने के उपरांत शाम को वापस अपने डेयरी में आ जाना, खाना खाना और मस्त रहना। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे लाखों सालों में मानव का विकास हुआ है, वैसे ही राज्य का भी इसी प्रकार से विकास हुआ और आज राज्य विशाल राष्ट्र राज्य बन गए और पहले की अपेक्षा जटिल हो गए। इतने काम उसके पास आ गए जो पहले का राज्य नहीं किया करता था। और मानव शरीर भी धीरे धीरे देखो आप किस प्रकार से विकास के क्रम में आज अपन कहां से कहां तक पहुंच गए। जो आदि मानव था जिसके पास रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, सारे दिन विचरण करता रहता था, और आज हम इस विकास क्रम में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम दूसरे ग्रह पर जाकर बसने की सोचने लग गए। तो ये एक विकास की क्रिया है जो सरलता से जटिलता की ओर हुई है। प्रारंभ में राज्य छोटे आकार यानी कि नगर राज्य होता था, किंतु अब बढ़ते बढ़ते हुए प्रारंभिक रूप से सहस्त्रों गुणा हो गया, आकार के साथ इसकी रचना भी जटिल हो गई है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि पहले का राज्य छोटा राज्य हुआ करता था जिसे नगर राज्य कहते थे, उसकी जनसंख्या 3,000 4,000 5,000 तक हुआ करती थी, और आज उससे कई हजारों गुणा राज्य हो गए हैं, लाखों करोड़ों अरबों की जनसंख्या वाले राज्य हो गए हैं। और उन राज्य का विकास क्रम भी इसी प्रकार से हुआ, सरलता से जटिलता की ओर। समान प्रणालियाँ, समाज शरीर और प्राणी शरीर दोनों में समान संस्थाएं होती है। जीवधारी में जीव धारण संस्था होती है, रक्त संचालन संस्था, नियंत्रण संस्था या नाड़ी संस्था आदि प्रमुख रूप से होते हैं। ये मानव शरीर की बात कहता है कि मानव शरीर में और राज्य के शरीर राज्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों में प्राणी कुछ संस्थाएं हैं वो समान होती है। जैसे कि जीवधारी में जीव धारण संस्था होती है यानी कि जीवन का विकास जीवधारी के कारण से ही होता है, और उसमें रक्त संचालन संस्था होती है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की नाड़ियाँ होती है जो रक्त को इधर से उधर ले जाती है, हृदय में रक्त को ले जाती है, शुद्ध रक्त को निकाल कर वापस शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचाती है। नियंत्रण संस्था होती है जो हमारा मस्तिष्क है वो पूरे शरीर पर, पूरे शरीर के अंगों पर, विभिन्न कोशिकाओं पर, विभिन्न चीज़ों पर नियंत्रण रखता है। नाड़ी संस्थाएँ होती है जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई असंख्य संख्या में नाड़ियाँ, तो ये हमारे शरीर में होती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये सब चीज़ें, इसी प्रकार की चीज़ें राज्य में भी होती है। उसी प्रकार राज्य में भी उत्पादन प्रणाली होती है, परिवहन प्रणाली होती है, विनिमय प्रणाली आदि होते हैं। इस प्रकार से मनुष्य शरीर में जीव धारण संस्था, रक्त संचार संस्था, नियंत्रण संस्था, नाड़ी संस्था होती है, उसी प्रकार से राज्य में भी उत्पादन प्रणाली होती है, परिवहन प्रणाली होती है, विनिमय प्रणाली होती है। वो उदाहरण का स्वरूप समझाता है कि राज्य की उत्पादन प्रणाली में कृषि और उद्योग आते हैं, परिवहन प्रणाली में सड़कें रेलें आती है, और विनिमय प्रणाली में सरकार और सेना आती है। यानी कि जो स्पेंसर है वो ये बतलाता है कि सब शरीर और
राज्य इनमें समानता है। उत्पादन प्रणाली मानव शरीर में भी होती है, हमारा शरीर विभिन्न चीज़ों का उत्पादन करता रहता है और वो चीज़ें बनती रहती है। जैसे रक्त कोशिकाएं हमारी, इसमें एक लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, एक शरीर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, वाइट सेल्स या रेड सेल्स, वो बनते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं, नए बनते जाते हैं, नई जो पुरानी कोशिकाएं वो मिटती जाती है, नई कोशिकाएं आती रहती है। जैसे हमारे नाखून में बढ़ते रहते हैं, काटते रहते हैं, फिर भी आते रहते हैं, तो ये मानव शरीर एक उत्पादन के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार से राज्य में भी कृषि और उद्योग उत्पादन का कार्य करते हैं। परिवहन प्रणाली जिसमें सड़कें और रेलें होती है, हमारे शरीर में परिवहन प्रणाली पाई जो नाड़ी संस्था है वो परिवहन प्रणाली का काम करती है। नाड़ियाँ जो है वो रक्त को इधर से उधर पूरे शरीर में पहुँचाती है, हृदय पंप करता है, शुद्ध रक्त निकालता है, वो नाड़ियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचता है। विनिमय प्रणाली में सरकार और सेना होती है जो हमारी व्यवस्था की सुरक्षा करती है, और इसी प्रकार से मानव शरीर में भी मस्तिष्क होता है जो हमारी पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। तो ये सारी सारी चीज़ें एक जैसी ही पाई जाती है। घटक इकाइयों का समन्वय, जीवधारी और राज्य दोनों ही घटक इकाइयों में पारस्परिक सहयोग और समन्वय रहता है, वे एक दूसरे पर निर्भर करती है और मिलजुल कर कार्य करती है। जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर के जितने भी अंग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर कार्य करते हैं। एक कोई भी अंग में कोई भी परेशानी आती है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। जैसे हमारा अगर सर दर्द करेगा तो हम बड़े बेचैनी महसूस करेंगे, आसान से नहीं रह पाएंगे, किसी काम में जी नहीं लगेगा, कोई काम ठीक से कर नहीं पाएंगे। यदि हमारा पैर दुखते हैं, हम ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, हमारा बुखार हो जाएगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से राज्य जो है, राज्य की जो संस्थाएँ हैं, सारी संस्थाएँ जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सेनाएँ हैं आदि है, सब कुछ मिलजुल कर ही कार्य करती है, तभी राज्य चल पाता है। ठीक जैसे कि मानव शरीर चलता है, ठीक वैसे ही राज्य चलता है। शरीर का स्वास्थ्य तभी ठीक रहता है जब प्रत्येक अंग अपना कार्य समुचित रूप से करे। यदि शरीर का कोई भी अंग अस्वस्थ हो जाए तो अन्य अंग अप्रभावित नहीं रह सकते। जैसे शरीर तभी सही तरीके से कार्य करेगा जब शरीर के अन्य अंग कार्य करेंगे। अगर कहीं पर भी किसी भी अंग में कोई भी व्याधि उत्पन्न हो जाती है, कोई भी समस्या पैदा हो जाती है, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो मानव शरीर सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से राज्य भी होता है। अगर मानव के अंग में कोई भी चीज़ प्रभावित होती है तो पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। इसी प्रकार राज्य की शक्ति भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उसकी विभिन्न संस्थाएं तथा प्रणालियां अपने निर्धारित कार्य भलीभांति करें। यानी कि जो भी संस्थाएं राज्य में पाई जाती है, जैसे कि व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सेना है आदि, ये भी सही तरीके से कार्य करे, राज्य सही तरीके से कार्य करेगा। अगर इनमें कहीं व्यवधान आता है तो व्यवधान पूरे राज्य को प्रभावित करता है। जैसे हमने देखा कई बार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में या व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में टकराव पैदा हो जाता है, तो ये टकराव राज्य के लिए हानिकारक होता है और कई बार राज्य को नुकसान भी पहुँचा देता है। वैसे ही अगर मानव शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो पूरे मानव शरीर को नुकसान पहुँचाती है। टूट फूट की प्रक्रिया, शरीर तथा राज्य दोनों में टूट फूट की प्रक्रिया समान होती है। शरीर में पुराने जीवकोशों का हिस्सा नए जीवकोश एवं रुधिर कोश लेते रहते हैं। हमारे शरीर में भी और राज्य में भी टूट फूट की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पहले व्यक्ति शरीर को समझे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे हमारे बाल हैं बढ़ते रहते हैं, हम उनको काटते रहते हैं। जैसे हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं, हम उनको काटते रहते हैं। जैसे हमारी चमड़ी है, वो चमड़ी के ऊपर जो कोशिकाएं हैं वो सब अपना स्थान परिवर्तित करती रहती है। पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती जाती है, नई कोशिकाएं बनती जाती है। हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको लाल रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम RBC WBC कहते हैं, तो वो भी समय के साथ उनकी एक निश्चित अवधि होती है, उसके पश्चात वो दूसरी बनती जाती है, और ये शरीर के विभिन्न अंग अपने आप ये सब चीज़ें उसमें चलती रहती है, विभिन्न कोशिकाएं बनती रहती है, नष्ट होती रहती है। और यही क्रम राज्य में भी पाया जाता है। पुराने व्यक्ति मरते रहते थे, नए व्यक्तियों का जन्म होता रहता है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग टूट फूट चलती रहती है, उसी प्रकार से राज्य में भी टूट फूट चलती रहती है। जो पुराने व्यक्ति हैं जिनकी उम्र हो जाती है वो मरते हैं, नए बच्चों का जन्म होता रहता है, तो ये भी राज्य में चलता रहता है। तो इस रूप में दोनों चीज़ें समान हैं, पूर्ण का सतत अस्तित्व है। जैसे शरीर किसी एक जीव कोश या अंग पर आधारित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार राज्य किसी व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष पर आश्रित नहीं होता। व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष के नष्ट हो जाने से राज्य नष्ट नहीं होता। जैसे हम अपन हाथ को शरीर नहीं कह सकते, जैसे अपन सिर को शरीर नहीं कह सकते, जैसे अपन पैर को शरीर नहीं कह सकते। सारी सारी जब चीज़ें होती है जिसमें पूरा एक मानव होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, तभी हम उसको पूर्ण मनुष्य कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी का पैर नहीं होगा तो हम उसको मानव नहीं कहेंगे, बस ये कहीं लंगड़ा आदमी है, यानी कि हम उसको सही रूप में नहीं मानते। अगर कोई किसी की आंख एक नहीं होगी तो हम उसको काणा व्यक्ति है, इसका मतलब हम उसको पूर्ण मानव का दर्जा नहीं देते।
उसी प्रकार से मानव शरीर कब होता है, जब शरीर की सारी चीजें, सारे के सारे अंग, सारे के सारे कोष एकदम सही हो तो वो पूर्ण मानव है। उसी प्रकार से राज्य भी सब मानव से मिलकर बनता है, और जितने भी व्यक्ति उस राज्य में, जितनी भी संस्थाएं उस राज्य में, जितनी भी चीजें उस राज्य में होती है, वो सारी चीजें हो तभी राज्य पूर्ण रूप से कहलाएगा। और व्यक्ति में जो जैसे धीरे धीरे टूट फूट की प्रक्रिया चलती रहती है और वो मनुष्य के जीवन को प्रभावित नहीं करती, ठीक उसी प्रकार से राज्य में जो टूट फूट की प्रक्रिया चलती है उससे राज्य प्रभावित नहीं होता, ये सब चलता ही रहता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य और मानव शरीर में समानताओं के रूप में प्रदर्शित किए। वो ये कहता है कि ये दोनों में एक जैसी चीज़ें एक समान है, मानव और राज्य। अब राज्य और जीवधारी में वो अंतर भी बतलाता है। इन असमान इन समानताओं को देखते हुए स्पेंसर ने राज्य को एक जैविक प्राणी के रूप में स्वीकार किया। इसका असर यह नहीं है कि स्पेंसर इन दोनों में कोई भेद नहीं मानता, दोनों में अंतर करता है। वो समानता भी बताता है तो वही अंतर भी करता है। हालांकि वही बात कहता है कि मनुष्य मानव शरीर की मानती है, लेकिन फिर भी दोनों में वो अंतर भी करता है। कैसे? स्वतंत्र अस्तित्व एवं इच्छा का अंतर। राज्य और जीव में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जीव के घटकों या कोशिकाओं का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे चेतना विहीन एवं निर्जीव होते हैं और उनकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। हमारे शरीर में जो चीज़ें हैं उनकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती, जैसे हाथ अपनी उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जैसे पैर उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, जैसे हृदय उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, जैसे हमारे शरीर में जो चीज़ें होती हैं उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती, वो मानव की इच्छा होती है। और मानव का जो मस्तिष्क है वो उनको नियंत्रित करता है, वो उनको निर्देश देता है कि ये करें। जैसे हमें प्यास लगी है तो हमारा मस्तिष्क हमें निर्देशित करेगा कि प्यास लगी है पानी पियो। जैसे हमें भूख लगी है हमारा मस्तिष्क कहेगा, हमें संदेश देगा कि भूख लगी है और खाना खाओ। ये सब कुछ जो हमारे अन्य अंग है वो हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल में रहते हैं और बाकी चीज़ें सब उसके मस्तिष्क के अधीन रहती है, मस्तिष्क के अनुसार चलती रहती है। इसके विपरीत राज्य के घटकों अर्थात व्यक्तियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वे चेतनाशील व सजीव होते हैं और उनकी अपनी इच्छाएं होती है। जो ये हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर के जो अंग है उनकी अपनी इच्छाएं नहीं है, लेकिन राज्य का जो अंग है यानी जो मानव है उनकी अपनी इच्छाएं होती है। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है और सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है। प्रत्येक मनुष्य जो उसमें रहता है उसकी सबकी अपनी इच्छाएं होती है। तो इसका मतलब एक बड़ा अंतर है, मनुष्य के शरीर के जो अंग है उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उनकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती, जबकि राज्य के जो अंग है यानी कि मानव उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छाएं भी होती है और उनका अपना एक अस्तित्व भी होता है। चेतना का अंतर। जीवधारी व्यक्तियों में चेतना का एक सामान्य केंद्र होता है, जबकि समाज में इस प्रकार का कोई सामान्य केंद्र नहीं होता। इसके विपरीत राज्य व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग चेतना का केंद्र होता है। प्रत्येक मनुष्य में एक चेतना का केंद्र होता है जो मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और राज्य में ऐसा कोई चेतना का निश्चित केंद्र नहीं होता। राज्य में जिस प्रकार से मानव शरीर में एक चेतना का केंद्र होता है वैसे ही राज्य में एक कोई चेतना का केंद्र नहीं होता। और दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति में एक ही चेतना का केंद्र होता है, लेकिन राज्य में चूंकि असंख्य व्यक्ति होते हैं, लाखों करोड़ों व्यक्ति होते हैं, सब में अलग अलग चेतना का केंद्र होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग चेतना का केंद्र होता है। अवयवों की संख्या तथा स्थान का अंतर। जीवधारी रचना में अवयवों की संख्या और स्थान निश्चित एवं अपरिवर्तनशील रहते हैं, जबकि राज्य में व्यक्ति घटते बढ़ते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। जैसे हमारा शरीर है इसमें सब चीजों की संख्या निश्चित है, जैसे कि दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, एक नाक होती है, एक मुंह होते हैं, एक हृदय होता है, ये जो किडनी होती है, या जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर में पाई जाती है सबकी निश्चित संख्या निश्चित है। जैसे हड्डियाँ हम कहते हैं 200 होती हैं तो 200 सही होती है, 204 या 208 नहीं हो सकती, सबकी संख्या निश्चित है। लेकिन मनुष्य राज्य के बारे में हम ये नहीं कह सकते, मनुष्य की संख्या निश्चित नहीं, वो कम या ज़्यादा होते रहते हैं। जनसंख्या जैसे अभी हम यूँ कह रहे हैं कि चीन की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, जापान की जनसंख्या कम हो रही है, जबकि कई राज्य से जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ये कम या ज़्यादा होती रहती है। लेकिन मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, एक पूर्ण मनुष्य में वो सभी उतनी ही चीज़ें होती है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन राज्य के बारे में हम ये बात नहीं कह सकते। जन्म विकास एवं पतन संबंधी अंतर। जीवधारी एवं राज्य में जन्म उत्पत्ति एवं पतन की विधियों में अंतर है। जीवधारी का जन्म दो जीवधारियों के समागम के फलस्वरूप होता है, किंतु राज्य का जन्म इस प्रकार से नहीं होता। देखिए इसमें एक अंतर ये भी कि राज्य मनुष्य और राज्य में एक अंतर है जन्म का, उसके विकास का और उसके पतन का। मनुष्य का जन्म दो मनुष्यों के यानी कि स्त्री और पुरुष के समागम से होता है
और एक नए बच्चे का जन्म होता है, और जो बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे वो बढ़ता है, विकास करता है, और एक समय आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन राज्य के बारे में हम ये बात नहीं कर सकते कि राज्य का, हम यूं कहते हैं कि राज्य का जन्म भी दो राज्यों के मिलन से होता है, ऐसा नहीं होता। राज्य का विकास किसी भी रूप में हो सकता है, वो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में भी हो सकता है, और उसका विकास उल्टा भी हो सकता है, यानी उपतन के ग्रस्त में भी चला जा सकता है। और जैसे कि मनुष्य के बारे में ये तथ्य है कि जो मनुष्य जन्म लेता है वो मरता है, लेकिन राज्य के बारे में ये नहीं कह सकते कि जो राज्य बना है वो अंत में एक दिन समाप्त होगा, ऐसा राज्य के बारे में कोई नियम है नहीं। तो मनुष्य के जन्म, मनुष्य के विकास और पतन में सुनिश्चित नियम है कि बच्चा जन्म लेगा, क्रमिक रूप से बढ़ेगा, और एक समय के पश्चात उसका अंत हो जाएगा। लेकिन राज्य के बारे में हम इस प्रकार की कोई भी धारणा प्रतिपादित नहीं कर सकते। जीवधारी का विकास, ह्रास और मृत्यु का अटल नियम लागू होता है, परंतु राज्य के उत्थान और पतन का कोई निश्चित क्रम लागू नहीं होता। अभी मैंने कहा कि जीवधारी के बारे में, यानी मनुष्य के बारे में एक अटल नियम है, उसका जन्म, उसका विकास, उसका मृत्यु या उसकी उसका ह्रास निश्चित नियम है, लेकिन राज्य के बारे में इस प्रकार का कोई निश्चित नियम है नहीं है। उपयुक्त वेदों के आधार पर स्पेंसर यह निष्कर्ष निकालना चाहता है कि यद्यपि राज्य एक जीवधारी के समान है, तथापि व्यक्ति और राज्य में स्थानांतरण नहीं हो सकता, तो शरीर के एक अंग का दूसरे शरीर में, समुच्चय शरीर में होता है। वो ये अंतर बतलाकर रॉबर्ट स्पेंसर ये बतलाना चाहता है कि राज्य और जीवधारी एक जैसे एक समान है, यानी कि उनमें समानता है, लेकिन फिर भी वो ये भी बताता है कि व्यक्ति का राज्य में वह स्थान नहीं हो सकता जो शरीर के अन्य अंग का समुच्चय शरीर में होता है, यानी कि फिर भी दोनों में अंतर है। स्पेंसर व्यक्तिवाद में विश्वास करता था, अतः इन असमानताओं को दिखाकर वह इस परिणाम पर पहुंचना चाहता है कि जहां तक समाज का प्रश्न है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं बने अपितु समाज व्यक्तियों के हित साधन के लिए बना है। यानी कि व्यक्तिवाद होने के कारण से वो व्यक्ति को सर्वोपरि मानता था, और वो ये बतलाना चाहता है कि समाज व्यक्ति के लिए है, समाज का कार्य है व्यक्ति का कल्याण करना, व्यक्ति समाज के लिए नहीं बना। खैर, वो अपने विचारधारा को प्रकट करने के लिए इस ये सावयव या आंगिक सिद्धांत की कल्पना करता है। तो यह है आंगिक या सावयव सिद्धांत, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर ये बतलाने की कोशिश करता है कि राज्य और मानव शरीर एक जैसे हैं और दोनों में समानता है। आशा है आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, या आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।